राधे दोस्तों, आज फिर से आपका माधव किचन में स्वागत है। आम का मौसम है और अगर मार्केट में आम आए हों तो एक आम की रेसिपी तो बनती है बनाना। तो मैंने यहाँ पे आपको दो तरीके के अचार बनाना बताऊँगी। ये 1 किलो मेरे अमियाँ ली हुई हैं, इसको पहले मैं इसको धो के अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, क्योंकि ये मार्केट में बाहर रखी रहती है तो धूल मिट्टी इसमें जम जाती है, तो इसको हम पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अमिया को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसको अब हमें क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पोंछ लेना है, क्योंकि अगर अचार में या जो हम चटनी बनाने जा रहे हैं उसमें ज़रा सा भी पानी रह गया तो हमारा अचार जो है और चटनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसको हमें जल्दी से सब अच्छी तरीके से पोंछ लेने चाहिए। अब यहाँ पर मैं अपनी पहली रेसिपी शुरू करूँगी कि आम की चटनी बनाने। तो आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये अपने जो छिक्कन हैं उनको अच्छी तरीके से उतार लेने हैं। अब यहाँ पे जो है हमने अमियाँ जो है अपनी छील ली है। अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं और कद्दूकस थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसी जगह से हमें कद्दूकस करने। तो आइए जल्दी से हम आपको ये अमियाँ कद्दूकस करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने जो अपनी अमियाँ थी उसको कद्दूकस कर लिया। अब आगे इसको देखिए मैं क्या करती हूँ, साथ साथ बिल्कुल देखती रहिएगा। यहाँ हमने अपनी अमियाँ को कद्दूकस कर लिया था। अब यहाँ मैं 50 ग्राम के करीब इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ और गुड़ के साथ ही यहाँ पे मैं चीनी भी मिक्स कर रही हूँ। चीनी और गुड़ दोनों मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप गुड़ के साथ में मिलाना चाहते हैं, अपनी चटनी को बनाना चाहते हैं तो बना सकते। बस ये है कि जो चटनी का कलर है ना वो बहुत थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और चीनी के मिलने से कलर डार्क नहीं होगा और हमारी चटनी भी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आइए इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं। यहाँ हम अमियाँ में चीनी और चटनी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो गुड़ को मतलब महीन कूट के भी डाल सकते हैं या ऐसे भी आप इसको पीस लेंगे। इसको हम ऐसे मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, तो जिससे कि हमारा जो है बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। और अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप चीनी या गुड़ की जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारी जो अमियाँ है वो कैसा है टेस्ट में। अगर ज़्यादा खट्टी है तो आप उसको जल्दी मतलब और चीनी मिक्स कर लीजिए। हमारी अमियाँ में गुड़ और चीनी मिक्स हो गई है, बाकी जब हम इसको फ्राई कर गर्म करेंगे पकाएंगे तो और भी ये गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। जब तक ये हमारा मिक्स मेल्ट होता है तब तक हम आइए अपने अचार और चटनी दोनों के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर पैन में मैंने 1 टेबल स्पून डाला है जीरा, उसके साथ यहाँ पर डाला है मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ। ये जो मसाला है ये मैं चटनी में और अचार में दोनों में डालूँगी। यहाँ थोड़ा सा ही मैंने डाला है मेथी के दाने और 1/2 टेबल स्पून डाला है अजवाइन, और यहाँ पे थोड़ा सा ही मैंने डाला है काली मिर्च के दाने। इनको हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं और फिर पीस के इनको हम अपनी अचार और चटनी दोनों में ही यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम लोग भून लेते हैं जब तक हमारे सब दाने जो है सौंफ और अजवाइन मेथी वगैरह चटकने ना लगे, तब तक इनको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, अब इसे हम जल्दी से पीस लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस मसाले को सिलबट्टे में अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। इसको मसाला पीस लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसको हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना पैन गर्म कर दिया है और जो अमिया वाला जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैंने फ्राई करने पकने के लिए अपने इसमें रख दिया है। अब ये धीरे धीरे जैसे ही इसमें पानी छोड़ेगा, ये गुड़ वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, तब हम इसमें अपना मसाला वगैरह जो भी है ऐड करेंगे। इसको हमें अच्छी तरीके से पकने देना है, क्योंकि जैसे जैसे गुड़ पिघलेगा ये थोड़ी सी ढीली होगी और थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगेगा जब गुड़ अच्छी तरीके से हमारा पक जाएगा। अब हमारी चटनी का जो गुड़ और चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, अब हम यहाँ पे अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और जो हमने मसाला तैयार किया था वो 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे, जिससे कि हमारी चटनी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि हमारी जो चटनी है वो अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है और बन चुकी है। 5 मिनट बाद हम इस चटनी को बंद कर देंगे और उसके बाद ही हम अपने दूसरी जो अचार है, जो जल्दी आम का अचार है, वो
उसकी भी जो जो भी हम सामान लगाएंगे वो आपको हम साथ में बताते जाएंगे। अब दूसरा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 अमियां ले ली। अब इनको हम बिना छिकल काटे ही इनको हम काटेंगे। अब हम कैसे काटेंगे ये हम आपको बताते हैं। हमको इसको बहुत ही छोटा छोटा पीस करना है, जिससे कि हम आराम से एक दो पीस उठा के अपना खाना शुरू कर दें। बड़े बड़े पीस होते हैं तो बच्चों के टिफिन में रखने में या फिर बच्चों के लिए देने में थोड़ा बेस्ट हो जाता है, मतलब यूज़ नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा पीस काटती हूँ। यहाँ पर मैंने अमिया के इतने छोटे छोटे से पीस काट लिए हैं, जिससे कि हम आराम से इसको खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी रख सकते हैं। और ज़्यादा बड़े बड़े पीस होते हैं तो वो यूज़ भी कम होते हैं, और बाकी नहीं पूरा बच्चा खा पाता है कोई नहीं तो उसको फेंकना पड़ता है। ये हम आराम से छोटे छोटे पीस हम इसे आराम से खा सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक जो है हम थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, जैसे कि नमक से ये हमारा ख़राब नहीं होता है। ये इंस्टेंट आम का अचार है जो कि आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला। अगर आप इसमें चाहें तो देगी मिर्च या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जिनको तीखा पसंद है वो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा छोटे हैं तो मैं मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही मैं इसको बनाती हूँ। तो अब इसको मैंने जल्दी से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको एक तड़का लगाने के लिए एक बढ़िया सा तड़का तैयार करती हूँ। तो आइए उसके लिए मैंने क्या क्या सामान तैयार किया वो मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे हमारा लहसुन जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है, और यहाँ पे हमने गैस बंद कर दी है। अब हम अपने तेल के ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही हमारा तेल ठंडा होगा हम तुरंत अपने अचार में इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारा तेल जो है वो ठंडा हो गया है। अब हम इसमें अपना पूरा ही मसाला तेल का डाल देते हैं, और उसके साथ साथ जो हमने मसाला तैयार किया था ना अचार के लिए वो हम पूरा इसमें डाल देते हैं, जिससे कि हमारा अचार का जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा। और उसको हम जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारा खट्टा और मीठा दोनों अचार बनके तैयार हो गए। हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है और हमारा अचार बनके तैयार हो गया। इसे आप आराम से कांच के बर्तन में स्टोर करके रख दीजिए। बस कांच का बर्तन साफ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, और जब भी आप यूज़ करें तो उसको साफ हाथों से यूज़ करें। अब आप इसमें किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में सब्जी भी नहीं है तो आप अच्छी तरीके से इसको देखें, पूड़ी पराठा रोटी किसी के साथ भी आप या आपके बच्चे इसे खा सकते। तो अगर मेरे दोनों अचार की, चटनी की और अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि अगर घर में सब्जी नहीं हो तो हम इसे आराम से इसका यूज़ कर सकते। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।